यस संजीव, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, या जब भी आप ये देख रहे हैं, होपफुली आपके गाइस अभी तक के सारे पेपर्स बहुत बढ़िया गए। होपफुली मैं ऐसे ही उम्मीद कर रहा हूँ, है ना। जीआईजीएल हो गया, कंपनी लॉ हो गया, सेटिंग अप हो गया, जो फर्स्ट मॉड्यूल दे रहे हैं एंड जो सेकंड मॉड्यूल दे रहे हैं, होपफुली आपके भी पेपर्स बहुत बहुत अच्छे गए। प्लीज़ एक बात ध्यान में रखना, अगर आपका बाई चांस कोई पेपर टफ भी गया होगा या इतना अच्छे से आपने नहीं भी किया होगा, तो भी ध्यान रखना कि पेपर एक तो टफ आता है, चाहे आपका मॉड्यूल वन हो चाहे मॉड्यूल टू हो, हर मॉड्यूल में हर ग्रुप में आपका कम से कम एक पेपर टफ आता है। तो अगर ऑलरेडी टफ आ चुका है तो बहुत बढ़िया बात है। अब जो आने वाला टेक्स का पेपर है उसमें आपको थोड़ा सा जो है ना, आप शांति की सांस ले सकते हो। अगर अगर आपका कोई पेपर टफ आया है तो आपके हिसाब से टफ आया, ऐसे नहीं है, सबके हिसाब से टफ होना चाहिए। तो ये अदरवाइज अगर बाकी पेपर मॉडरेट लेवल के आए हैं तो फिर आपको टेक्स में थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहना है। और मैं तो कहता हूँ कि भाई बाकी पेपर कैसे भी आए हो, प्लीज़ आप ये समझ के चलना, आप यही सोच के चलो कि भाई टेक्स का पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहेगा, एकदम हार्ड नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा, एकदम इजी आया तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अपने को मेंटली ऐसे प्रिपेयर रहना है कि हमारा पेपर हो सकता है थोड़ा सा मॉडरेटली टफ है या मॉडरेटली हार्ड है। ओके, तो प्लीज आप उन चीजों को लेकर बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, आप मेंटली पहले से प्रिपेयर रहो कि ऐसे आने वाला है, ताकि आप अपनी मेहनत बढ़ा सकें। एंड जो बच्चे फर्स्ट मॉड्यूल दे रहे हैं उनका तो लास्ट ही पेपर है, करेक्ट है। एंड अपने को ऐसा फील आता है अब तो क्या भाई आखिरी पेपर बचा हुआ है ना, तो जीवन में आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसा मत करना। जैसे ही आप सेटिंग अप का पेपर देखे आएंगे एंड जब आप ये वीडियो देखेंगे, तो प्लीज आप जो नॉर्मल आधे 1.5 घंटे का गैप लेते हैं उतना गैप आप लो, जो भी आप नॉर्मल लेते हो, एंड जो फर्स्ट मॉड्यूल करें उनके लिए बोल रहा हूँ। तो आज आपको कोई आराम नहीं करना है ना, शाम को 5 बजे पढ़ाई स्टार्ट करनी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर आए 1:30 बजे आप स्टार्ट करेंगे अपनी जो पढ़ाई रहेगी, एंड आज आपका IDT हो जाना चाहिए प्लस DT के 2 से 3 चैप्टर हो जाने चाहिए, ये आपका टारगेट रहना चाहिए। एंड बिलीव मी, अगर आपने इतना टारगेट आज अचीव कर लिया ना, तो आपको कल इतना सुबह रिलीफ मिलेगा ना, आपको लगेगा कि यार बहुत सारा टैक्स ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आज आपने अगर ढील दे दी ना तो बहुत दिक्कत जाएगी। तो प्लीज ध्यान रखना, आपको टारगेट रखना है IDT पूरा हो जाए, DT के 2 से 3 या 4 चैप्टर आप बड़े बड़े कर सकते हो। अब जो सेकंड मॉड्यूल वाले बच्चे हैं उन पर भी आता हूँ, एंड इंपॉर्टेंट वाली चीज़ों पर भी आता हूँ। तो सेकंड मॉड्यूल वाले या बोथ मॉड्यूल वाले जो बच्चे हैं उनको टाइम बहुत कम मिलेगा, तो आपके लिए कल का टाइम रहेगा। कल आप 12 बजे फ्री हो जाएंगे, फिर आपको है ना 12 घंटे का, लगभग 24 घंटे का टाइम मिलेगा। तो वहां पर आप कोशिश यही करना कि IDT फटाक से निपटा लो ना, 4 से 5 से 6 घंटे में आपका IDT हो जाना चाहिए। बाकी आपको DT के पहले मेन मेन फिर बड़े बड़े जो चैप्टर्स हैं जो ज्यादा वेटेज वाले होते हैं वो करना है। अब मेन वाले चैप्टर्स कौन से हैं, कितने मार्क्स का आता है, तो इसका मैंने ऑलरेडी एक 15 से 20 मिनट का वीडियो डाला हुआ है, जो आपने होपफुली देखा होगा। नहीं देखा है तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में वापस से डाल दूंगा, या फिर जब ये वाला वीडियो खत्म होगा ना तो आप जो थोड़ा स्क्रीन में देख लेना, आपको कहीं ना कहीं उसकी लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के एकदम एंड में। प्लीज आप उसको देखना, आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर पता चल जाएंगे। तो फोकस अपना IDT का है, सबसे पहले IDT पूरा कंप्लीट करेंगे, A to Z, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, 50 में से 50 नंबर चाहिए IDT में। फिर जो आपका DT है उसके पहले इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करना, 16 चैप्टर्स है मेरे हिसाब से, एंड जो लीस्ट इंपॉर्टेंट उसको लास्ट लास्ट में करके चलना। और ये आप मान के चलो कि हर चैप्टर से हो सकता है एक दो नंबर का है, तो सो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स होते हैं उनको आपको पहले पहले करना है, ठीक है। तो फर्स्ट मॉड्यूल वालों को बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, आज से ही पढ़ाई चालू करनी है, एंड IDT प्लस कुछ निपटा के रखना है, DT के 2-4 चैप्टर। एंड जो आपके बोथ मॉड्यूल वाले हैं आप लोग, है ना, आपको कल पहले IDT निपटाना है, और पूरी बिल्कुल रैंक का ही प्रिपरेशन आप कर रहे हो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ जो बोथ मॉड्यूल दे रहे हैं। तो फिर आपको इतना मुद्दा क्लियर है, परफेक्ट है। प्लीज अब कुछ कुछ और बातों पर ध्यान रखना, जब भी आप पेपर दे रहे होगे तो आपको जो MCQs पढ़ना है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है। ऐसा पॉसिबल है कि आपके क्वेश्चंस वापस से लेंदी बने जैसा लास्ट टाइम बने थे, लेकिन लेंदी भी ज्यादा नहीं बनता है ना, 10-15-20 क्वेश्चन मैक्सिमम लेंदी बनेंगे। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लेंदी क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है ना, दो दो ऑप्शंस एक साथ पढ़ते हुए चलने हैं, और हमने ये रिवीजन वगैरह में करके रखा है, सो ऑलरेडी है ना, यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस। तो इसकी आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, है ना, आपको क्योंकि टेक्निक पता है। तो मैं वापस कह रहा हूँ, आप ये मान के चलें कि थोड़ा मॉडरेटली टफ आपका पेपर आ सकता है, लेकिन हमको लाना है 60+ एटलीस्ट, एंड मैं तो बिल्कुल ही चाहता हूँ यार 90+ वाले बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे आईफोन बर्थडे इस बार, लेकिन 60+ तो सबके आने चाहिए, जिस हिसाब से मैंने फुल पढ़ाया है, फिर रिविजन करवाया, फिर मैराथन करवाया, तो पूरे मैराथन आपके पास अवेलेबल हैं, करेक्ट है ना। तो उसकी लिंक भी मैं नीचे यहाँ पर डलवा दूंगा। तो आप जो मैराथन की आपके पास जो लिंक रहेगी तीनों, वो आप पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, देखो सेल्फ स्टडी करना ज़्यादा बेटर होता है, तो अगर आपकी सेल्फ स्टडी फास्ट हो रही है तो आप खुद करो, लेकिन जैसे आपको लगता है नहीं यार मन नहीं लग रहा है, थकान हो रही है वगैरह वगैरह कुछ भी हो रहा है, तो प्लीज़ तुरंत मैराथन लेके बैठ जाना, परफेक्ट है। जब खुद से पढ़ाई नहीं होती तो मेरा मैराथन आपको बहुत 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 काम में आएगा, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कवर्ड हैं, चाहे वो DT का हो चाहे वो IDT का हो, तो IDT पहले कर लेना फिर आप DT कर लेना। एंड कोशिश ये करना कि अभी MCQs पर ज़्यादा फोकस ना करें, आपको फोकस करना है आपके प्रोविजंस पर। आप जितने ज़्यादा प्रोविजंस पढ़ के जाओगे, जितने ज़्यादा चैप्टर्स का कवरेज लेके जाओगे ना, बिलीव में उतना ज़्यादा ज़्यादा आपका यहाँ पर जो है कॉन्फिडेंस बूस्टेड अप रहेगा, परफेक्ट है। ये बात समझ आई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, मैराथन सारे अवेलेबल है ना, आई डोंट थिंक कि भाई है ना कि इतनी मेहनत जो हमने की है इस बार
ना, या हर बार जो हम करती हैं, और इस बार जो हमने एक्स्ट्रा मेहनत की है, मतलब ऐसे रिवीजन लेक्चर्स अपने पेड होते थे, आप पर इस बार पूरे फ्री हुए थे, फिर अपने पास सारे मैराथन भी अवेलेबल है, तो प्लीज वो सारे के सारे आप देखेंगे, जितनी जरूरत लगेगी उतने देखेंगे। एंड वापस से कह रहा हूँ, जब थकान हो जाए तो मैराथन देख लेना। ओके, परफेक्ट, क्लियर है? तो क्वेश्चन वाली बात हो गई, मैराथन वाली बात हो गई, सीक्वेंस क्या रखना है उसकी बात हो गई, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं उसका मैं वापस से जो है नीचे लिंक में डाल दूंगा। परफेक्ट, ओके, चलिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड ऑल दी वेरी 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 बेस्ट। मैं सच्ची चाहता हूँ, और मुझे ऐसा गट फीलिंग है कि इस बार बहुत बढ़िया पेपर जाने वाला है टेक्स का, सच्ची कह रहा हूँ, एकदम दिल से कह रहा हूँ। एंड मैंने आपको पहले भी कहा, 40 से नंबर तो मुझे किसी के दिखने ही नहीं चाहिए, 40 से नीचे नंबर किसी के दिखने ही नहीं चाहिए एट एनी कॉस्ट, 60+ मिनिमम। और अगर आपने नहीं पढ़ा हो, लास्ट मोमेंट पढ़ रहे हो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैराथन देख लो, आप क्लियर होने के आपके चांसेस हैं, प्लीज देख लो, उतना अच्छे से करना, ध्यान से करना। चलिए, डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया पेपर जाएगा आपका, बिलीव इन योर सेल्फ, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, एंड बहुत झक्कास पेपर जाएगा आपका। चलिए, तो यहीं पर मैं रुकता हूँ इस वीडियो को, मुलाकात करेंगे, कुछ भी रहेगा तो आप नीचे जो है ना कमेंट्स पे फीडबैक में डाल सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए बाय।